हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ओके, जो कि पिछले एक साल में इतना चला है इतना चला है इतना चला है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, ओके, जब आपने उस टाइम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपके वो पैसे 28 लाख रुपये कम से कम हो जाते। वो सारे का सारा चिट्ठा पट्ठा जो भी है, जो पूरा गणित है पूरा देखेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ओके, शेयर कौन सा है, क्या काम करता है उसमें देखेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और इसे फैला दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज़ वेल एज़ हमारे इस चैनल जो आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो आइए सीधे शेयर की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको उस शेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। रिटर्न्स, सबसे पहले तो रिटर्न्स देखने को बनते हैं इस कंपनी के। देखिए सब पैटर्न में पिछले 10 साल का मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो 1 डे 5%, 1 वीक 21.15%, 1 मंथ 1 महीने में मतलब आपके पैसे दुगने, 3 मंथ्स में आपके पैसे 4 गुने, 6 मंथ्स में आपके पैसे 1000 गुन मतलब 1054.96% का आपका रिटर्न। 7 महीने में जनवरी से बात की जाए तो 719.17, और 1 ईयर मतलब अक्टूबर टू अक्टूबर अगर देखा जाए, या फिर कह सकते हैं दिसंबर सीधे ले लेते हैं, अगर दिसंबर से अभी तक का रिटर्न देखा जाए तो कितना, लगभग 3061% के रिटर्न। मतलब एक साल में इतनी कंपनी भागी है ना, इतने अच्छे जोड़ के रिटर्न दिए ना इसने कि आप कह नहीं सकते। 2 ईयर्स पॉजिटिव, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स और लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स देखिए 1655.65। तो कहते हैं ना जो शेयर चलते नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में भी नहीं चलते ना, वो शेयर अगर कुछ इस सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो इतने चलते हैं कि आपको इतने बेहतरीन रिटर्न देते हैं। इसलिए शेयर को पकड़ के, अच्छी कंपनी को पकड़ के चलना चाहिए। और कभी भी किसी भी शेयर की किस्मत बदल सकती है, किसी भी शेयर होल्डर्स की, जब किसी एक पर्टिकुलर शेयर की किस्मत बदलेगी तो जिसने भी ले रखे उसकी किस्मत भी बदलेगी। तो ये शेयर से एक तो मैं आपको इसकी यहाँ पर दिखा देता हूँ प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए कांस्टेंट है, काफ़ी सालों से कांस्टेंट है 46.82%। और प्लेजिंग की बात की जाए तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, एक भी शेयर कर्ज में उन्होंने रखने रखा। फॉरेन इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बट म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड 0.45% की हिस्सेदारी इनकी है। इंश्योरेंस कंपनी 0, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है तो 0.09, और अभी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है तो पब्लिक में 52.65% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने ले रखी है। तो ये तो हो गया। ये अब अगर हम बात कर लेते हैं एक बार शेयर चार्ट पैटर्न की, चार्ट पैटर्न देखिए 141 रुपये का शेयर, केवल 141 रुपीज़ का शेयर है, ओके। इसके चार्ट पैटर्न 5 डेज का देख लेते हैं, पॉजिटिव 1 मंथ, पॉजिटिव 6 मंथ, पॉजिटिव ईयर टू डेट, पॉजिटिव 1 ईयर, पॉजिटिव 5 ईयर, पॉजिटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव। तो देखिए ये कंपनी 2017 से यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके, बट बहुत पुरानी कंपनी है, ओके। तो देखिए 22 रुपये का शेयर था, बट अगर बीच में बात की जाए तो बीच में ये 4 रुपये के, 4.5 रुपये के आसपास 18 अक्टूबर को अगर बात की जाए, एक साल पहले 18 अक्टूबर को 4 रुपये पे ये शेयर मिल रहा था। बट अभी ये शेयर जो ये सिचुएशन थी, जो ये अभी बंद कोरोना आया था, तो ये इस कंपनी जिसमें ये काम करती है उसके बिल्कुल फेवर में थी। और फेवर में आने की वजह से देखिए ये क्या भागी है, किस तरीके से भागी है और क्या रिटर्न इसने कंपनी ने प्रोवाइड किया है कह नहीं सकता मैं। तो कंपनी का नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ओके। कंपनी का नाम है बायोफिल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ओके। तो ये कंपनी का नाम है बायोफिल केमिकल्स। तो केमिकल और फार्मा दोनों का एक तो मिक्सचर है, जैसे IOL था स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे, ऐसे ही ये कंपनी है, ओके, बायोफिल केमिकल। 4 रुपये का शेयर एक साल पहले था और अभी 141 रुपये का ये शेयर है, और एक कितने 3000 से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इसने विद इन अ ईयर आपको प्रोवाइड किए हैं। तो ये बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसका बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखाऊंगा और भी बहुत सारी इसकी बातें करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले 52 वीक लो की बात करें, 4.95 रुपीज़, 14 नवंबर को, आज 16 है, तो यहाँ पर 14 को अपडेट था लास्ट मार्केट जब हुआ था, तो 14 नवंबर को 141 रुपीज़ का ये शेयर था। तो देखिए अपर सर्किट में ही चल रहा है अभी, अपर सर्किट में, तो अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी भागेंगे रेस में, ओके, तो फिर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। भागती हुई ट्रेन बस को नहीं पकड़ना चाहिए, यही सीखा है, तो इसलिए अभी रहने देते हैं इसे। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने डिस्कस कर लिया। देखिए कोई भी इसने कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया, ओके, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से लॉस में चल रही थी, बट इस बार ये काफ़ी प्रॉफिट में आई है। यहाँ पर देख लेते हैं
देखिए जून में कितना 21 लाख रुपए का प्रॉफिट था, बट सितंबर में देखिए इस क्वार्टर में 92.71 लैक्स रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट इस कंपनी का हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखिए, यहाँ पर रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स काफ़ी इसके बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि इसके रिजर्व्स पहले नेगेटिव में चल रहे थे, नेगेटिव वो भी बहुत ज़्यादा, -5.37 करोड़, -3.58 करोड़, बट इस बार कम करते 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 इस बार यहाँ पर -1.39%, 39 करोड़ के यहाँ पर नेगेटिव रिजर्व्स है इस कंपनी का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ही नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जरूर है, कितना है, 1.919 करोड़ रुपीज़ के शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बट ये भी नेग्लिजिबल है, अगर हम देखा जाए तो इसे नेग्लिजिबल कह सकते हैं। और डेट को वो कम करती आई है ये कंपनी, पहले देखिए 1.64 थे, तो अभी 1.19 कर दिया है, तो कम कर दिया है। और एज वेल एज हम इन यहाँ देखा जाए कैश इक्विवेलेंट ही तो लगभग 0.26 करोड़ रुपीज़ का, ओके बात किया 26 लाख रुपए का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें ठीक ठाक नज़र आती है, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है बट ठीक ठाक इसकी बैलेंस शीट अभी हमें नज़र आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, बट एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, राइट्स। कंपनी ने बहुत पुरानी कंपनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, तो 4 दिसंबर 1995 में, 1995 में 1:1 का यहाँ पर राइट इशू भी, राइट्स यहाँ पर आया था, राइट इशू भी यहाँ पर आया हुआ था। अब एक चीज़ और हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 230 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटल है, तो ज़्यादा इससे देखिए रिटर्न्स तो इसने बहुत बेहतरीन दिए है, 1 लाख रुपए को 28 लाख रुपए, 29 लाख रुपए इसने करके दिखाया है, 3,000 से ज़्यादा एक साल में रिटर्न्स दिए है। बट आपको बताना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप कंपनी भागती है तो बहुत तेज भागती है, वो गिरती है तो वो भी बहुत तेज गिरती है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। कभी कितने रुपए का शेयर होता था, 22 रुपए का शेयर होता था 2017 में, बट गिरते 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 4 रुपए पे आ गया, बट सिचुएशन ऐसी आई कोरोना की, तो देखिए ये कंपनी यहाँ से ऐसे भागना शुरू किया है इसने, और ये भागते भागते अब रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यूसली आपको रिटर्न देते जा रही है, और बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया कंपनी का। पी रेशो की बात की जाए तो पी रेशो 150 का इसका पी रेशो है, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपनी का है। देखिए डेट को रिड्यूस कर रही है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 1 करोड़ रुपए के आसपास मैंने आपको दिखाया था डेट। तो कंपनी को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, और अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तो एक 14.32 टाइम्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा बच के रहना अगर इसमें आप अभी इन्वेस्ट ना करें तो। बस मैं आपको नॉलेज पर्पज से ये भी बता रहा हूँ कि कंपनी ने इतना बेहतरीन रिटर्न्स प्रोवाइड किया है कि कह नहीं सकते। सेल्स की बात की जाए तो सेल्स देखिए कंटिन्यूसली इसकी बढ़ती जा रही है, और अब इस बार की सेल्स सेप्टेम्बर की देखेंगे तो 16.02 इसकी सेल्स है, 16.02 करोड़ रुपीज़ की तो सेल्स ही सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 0.91 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, जो कि पिछली बार तो नेगेटिव में था, नेगेटिव से सीधे कंपनी प्रॉफिट में आई है। एज वेल एज हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं एक बार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 1.39 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो 4.4% का यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बैलेंस शीट मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई दी है, सेप्टेम्बर अभी तो वो जो हमने देखी थी उसमें नेगेटिव में रिटर्न्स थे, बट वो मार्च तक थी, बट यहाँ लेटेस्ट दिखा रहा है सेप्टेम्बर में, तो केवल 0.25 लाख रुपीज़ के नेगेटिव रिजर्व्स है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो इन्होंने कंटिन्यूसली देखिए हर साल साल पे साल कम किए जा रहे हैं, और आगे चल के मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखे, ये पॉजिटिव में इसके रिजर्व्स भी आ जाएंगे। बोरिंग की बात की जाए तो लगभग 1.19 था ना, तो अभी ये लेटेस्ट है तो 80 लाख रुपए की ही बोरिंग है, तो बोरिंग तो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, और इसे नेग्लिजिबल ही कह सकते हैं कि किसी तरीके की बोरिंग है ही नहीं, समझ लीजिए इसे। तो यहाँ पर कैश फ्लो भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है, नेट कैश फ्लो की बात की जाए 0.12, जो कि पिछली बार नेगेटिव में था। एज वेल एज हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पब्लिक, तो पब्लिक के पास लगभग 52.65% की शेयर होल्डिंग है, बट उनमें से भी ये बड़े बड़े जो लोग हैं, लिब्रा हेल्थ केयर, स्टारलिन, इन्हीं ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी पब्लिक में ले रखी है। तो नॉर्मल पब्लिक के पास तो थोड़ी सी ही है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आया, बट अभी जो ये चल रहा है ये पिछले काफ़ी टाइम से केवल अपर सर्किट में ही चल रहा है, तो अभी इस शेयर में पार्टिसिपेट करना काफ़ी भयंकर हो सकता है, पता चले कि हम ये लोअर, जैसे अभी अपर सर्किट लग रहा है, फिर लोअर सर्किट लगना शुरू करे, और लोअर सर्किट जब लगेगा तो फिर ये शेयर काफ़ी नीचे तक आ सकता है, तो अभी इसमें पार्टिसिपेट ना करके मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको
काफी नीचे लेवल पर अगर मिलता है, अगर देख लेते हैं शेयर की और किस्मत, एक आध दो क्वार्टर का रिजल्ट और देख लेते हैं, कोविड के बाद का रिजल्ट देख लेते हैं, फिर पार्टिसिपेट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि कोविड के बाद सिचुएशन अलग होगी। अभी तो कोविड है तो इनके फेवर में है, कोविड के बाद इनके फेवर में नहीं रहेगा। अगर तब उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एट दैट टाइम इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। और बाकी आपकी आपके पैसे हैं, आपका व्यू है, आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो आपको बताना चाहता हूँ, जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो मैंने बनाई है नॉलेज पर्पज़ से बनाई है, बताया है कि ऐसी ऐसी कंपनीज़ है जो आपको 4 रुपये का शेयर 141 रुपये का हो गया है, मतलब कितने 3000+ के रिटर्न, 3061.76% के रिटर्न एक एक साल में दिया है। तो ऐसी कंपनी मार्केट में मौजूद है, बस आपको सर्च करना है, आपको ढूंढना है और आपको पार्टिसिपेट करना है, और तभी आपके पैसे मल्टी बैगर, और जो दिखाते हैं ना कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन खरीदा और विजय केडिया ने कर्नाटका बैंक और एजिस लॉजिस्टिक खरीदा, तो ऐसे शेयर ऐसे ही पारखी नज़रों से देख के कि देखा जाता है और फिर ऐसे खरीदा जाता है। मैंने नहीं खरीदा, मैंने भी अभी पढ़ा देखा, मैं काफ़ी टाइम से इसे देख रहा था। ओके, मैंने ये शेयर 17-18 रुपीज़ पर भी जब ये आया था, ओके इधर 70-80 तो नहीं कहेंगे, लगभग कहेंगे 28-29 रुपये चल रहा था, तब मैंने ये देखा था, बट मैंने इतना गौर नहीं किया। बट अभी जब मेरे को पता चली कि इतने 1 लाख रुपये 28 लाख बना दिया, तो मैंने कहा एक बार आपको बताना ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिफोर इन्वेस्टिंग आप इसे फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो से मैं आपको अवेयर कराता रहूँ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।